फिलिपी में पौलुस और सिलास। जब शाउल सबला रोमी साम्राज्य में यात्रा करीस तब अपन रोमी नाम पौलुस का उपयोग करे का शुरू कर दईस। एक दिन पौलुस और वाखर मित्र सिलास फिलिपी नगर में यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनामा कलाने गए। उ नगर के बाहर नदी किनारे एक ठे जगह में गए जहाँ मनई प्रार्थना करे के लाने इकट्ठा रहे हैं। हुन उ लुदिया नाम के एक ठे मेहरिया से मिलो जौन एक ठे व्यापारी रही ही वह परमात्मा से प्रेम करत रही ही और उनखर आराधना करत रही ही। परमात्मा लुदिया का यीशु के बारे में संदेश में विश्वास करे के लाने सक्षम करीन। पौलुस और सिलास ही और ओके परिवार का बपतिस्मा देन। वह पौलुस और सिलास का अपन घर ठहरा के लाने आमंत्रित करीन। ऐसे उन ठहर गए। पौलुस और सिलास मनैन से अक्सर वह जगह में मिले करत रहे हैं जहाँ यहूदी मनई प्रार्थना करे करत रहे हैं। हर दिन जब उन जात रहे हैं त एक ठे दासी टोरिया जौन दुष्ट आत्मा के कब्जा में रही उनखर पीछा करे करत रही। यह दुष्ट आत्मा के माध्यम से वह मनैन का भविष्य बताए करत रही। यही से वह भविष्य बतामा वाली के रूप में अपन स्वामीन के लाने बहुत धन कमाए करत रही। उनखर जात समय यह दासी टोरिया चिल्लाए करत रही यह मनई परम प्रधान परमात्मा के सेवक आए यह तुम्हें उद्धार पामा के मार्ग बताओ था। वह हर दिन ऐसा करे करत रही जेखे कारण पौलुस नाराज होइगा। अंत में एक दिन जब वह दासी टोरिया चिल्लामा का शुरू करीस तब पौलुस ओखे तरफ मुड़ के ओखे अंदर के दुष्ट आत्मा से कहिस यीशु के नाम से यमा से निकल जा। वहन समय वह दुष्ट आत्मा वही छोड़ दईस। वह दासी टोरिया के स्वामी बहुत गुस्सा होगी। उन्हें मालूम होगा कि बिना वह दुष्ट आत्मा के वह दासी टोरिया मनैन का भविष्य नहीं बता सकत रही। यखर अर्थ रहा कि मनई अब ओखे स्वामीन का पैसा न दईहीं कि वह उनखर भविष्य बताए कि उनके साथ का हुई। यही से वह दासी टोरिया के स्वामी पौलुस और सिलास का रोमी अधिकारी के पास ले गए। वो पौलुस और सिलास का पीटिन और फिर उन्हें जेल खाना में डाल दें। वो पौलुस और सिलास का जेल खाना के ऐसे हिस्सा में रखे रहे हैं जेमा सबसे ज्यादा सिपाही रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पैरन का लकड़ी के बड़े टुकड़ा में जोड़ दें। पर पौलुस और सिलास आधी रात के समय परमात्मा के स्तुति के गीत गाउत रहे हैं। अचानक से एक ठे भयानक भूकंप भा जेल खाना के सारा द्वार खुल गए और सब कैदीन के जंजीर खुल के गिर गए। तब दरोगा जग गा और देखिस के जेल खाना के द्वार खुले रहे हैं और सोचिस कि सब कैदी बच के भग गए रहे हैं। वह डर गा कि उनके भग जाए के कारण रोमी अधिकारी वही मार डलही। यही से वह स्वयं का मार डाले के लाने तैयार होएगा। पर पौलुस वही देख के चिल्लाइस रुक जा खुद का नुकसान न पहुंचा हम सब ही ने हन। वह दरोगा कांपत पौलुस और सिलास के पास आके पूछिस उद्धार पामा के लाने मैं का करूं। पौलुस जवाब दईस प्रभु यीशु में विश्वास कर तत्ते और तोर घराना उद्धार पाई। तब वह दरोगा पौलुस और सिलास का अपन घर लेगा और उनके घावन का धोइस। पौलुस के घर के सब मन इनका यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाइस। दरोगा और आखर पूरा परिवार यीशु में विश्वास करिन। यही से पौलुस और सिलास उन्हीं बपतिस्मा देन। तब दरोगा पौलुस और सिलास का भोजन करवाइस और ऊ एक साथ आनंदित भें। अगले दिन नगर के अगुआ पौलुस और सिलास का जेल खाना से स्वतंत्र कर दईस और फिलिप्पी से चले जाए के लाने कहिस। पौलुस और सिलास लुदिया और कुछ दूसर मित्रन से मिलो और ओखे बाद नगर से निकल गए। यीशु के बारे में शुभ संदेश फैलत गा और कलीसिया बढ़त गई। पौलुस और दूसर मसीही अगुआ बहुत से नगरन की यात्रा करीन। उ मनैन का यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाइन। उ कलीसिया के विश्वासिन का उत्साहित करा और शिक्षा दे के लाने कई पत्र भी लिखीन। इनमें से कुछ पत्र बाइबल की पुस्तक बन गए। प्रेरितों के काम 16:11-40 से बाइबल की एक कहानी।